हेलो जी, अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत, और नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी नवरात्रि चल रही है और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि इस पूरी नवरात्रि हम आपको 9 दिन तक 9 अलग अलग देवियों के 9 अलग अलग शक्तिपीठों के दर्शन करवाएंगे। जिन मंदिरों में देवी विराजमान है, देवियों की कुछ ना कुछ कथा जो है वो बड़ी सुप्रसिद्ध है। तो ऐसी 9 अलग अलग जगहों पे हम आपको लेके जाएंगे और आपको दर्शन भी करवाएंगे और हम खुद भी करेंगे। हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको घर बैठे हुए दर्शन करवा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हो। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर से लिख देना, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। बाकी चलिए यहाँ से निकलते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। वैसे मैंने आपको अभी तक शायद से बताया नहीं कि अपन कहाँ आ रहे हैं, या फिर आज मैं आपको कहाँ दर्शन करने के लिए लेके जा रहा हूँ। मैं आपको लेके आया हूँ भीनमाल में श्री शमंकरी माता के यहाँ, जिन्हें की खिमच माता भी कहते हैं, उनके दर्शन करवाने के लिए लेके आया हूँ। बड़ी ही मस्त सी जगह है, यहाँ पे चलते माता जी के स्वरूप के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। चलिए हमारे साथ में। हाँ जी, तो आपको यहाँ मंदिर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ज्यादा अगर आपको जानना हो तो आप पढ़ लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। राजस्थान के जालौर जिले में श्री शमंकरी पहाड़ी के ऊपर श्री शमंकरी माता का मंदिर बसा हुआ है, जिन्हें कि आज के समय में खिमच माता भी कहा जाता है। यहाँ से इतना प्यारा व्यू, और चारों तरफ आपको 360 डिग्री व्यू दिखेगा, यानी कि सबसे ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ यह मंदिर है। दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक के अनुसार, पंथा नाम सुपदारु रक्षण मार्ग शमंकरी, इसका अर्थ होता है कि मार्गों की रक्षा करने वाली, पथ को सुपथ बनाने वाली माता शमंकरी है, जो माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। चलिए ऊपर की तरफ माता जी के दर्शन करते और आपको भी करवाते हैं। अब राजस्थान में अभी एक ही चीज खराब है ना, गर्मी हद से ज्यादा है, गर्मी हालत बिगाड़ती है। मैंने आपको अभी तक मेरे साथी से नहीं मिलाया, मेरा साथी जो फोटो लाइव फ्री है, दुनिया भर की लाइव इसने पहले ही कर ली है, मेरी सारी वीडियो को तो इसने पहले ही पूरा डाल दिया है इधर उधर, और अब इसको फोटो भी खिंचवाना है। शमंकरी माता, जिन्हें स्थानीय भाषा में खिमज, खिवज आदि नामों से पुकारा जाता है, इस देवी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर राजस्थान के भीनमाल में बना हुआ है। कहा जाता है कि किसी समय उत्मोजा नामक एक दैत्य रहता था, जो रात्रि में बड़ा ही आतंक मचाता था। उससे मुक्ति पाने हेतु क्षेत्र के स्थानीय ब्राह्मणों के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में सहायता हेतु पहुंचे। गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों की याचना पर सावित्री मंत्र से अग्नि प्रज्वलित की, जिसमें से देवी शमंकरी प्रकट हुई। कहा जाता है कि उस दैत्य को वरदान मिला था कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकेगा। गौतम ऋषि की प्रार्थना पर देवी ने शत्रुवासियों को उस दैत्य के आतंक से मुक्त दिलाने हेतु पहाड़ को उखाड़ कर उस दैत्य के ऊपर रख दिया, परंतु शत्रुवासियों को इसमें भी भय लगा, तो उन्होंने देवी से प्रार्थना करी कि आप इसी पर्वत पर विराजमान हो जाए, और आज वहीं पर देवी का मंदिर बना हुआ है। बाकी भाई, आप जब भी मंदिर में आओगे तो आपको यहाँ से चारों तरफ का जो व्यू दिखेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, 360 व्यू दिखेगा आपको, बिल्कुल सब कुछ नीचे, मस्त व्यू है यार। ये जो चट्टान दिख रही है, इसके ऊपर आपको छोटे 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 छेद दिख रहे होंगे, इतने प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, तो भैया खिमज माता मंदिर में आगे ऊपर आके हमने दर्शन भी कर लिए, और आपने भी दर्शन किए होंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगे होंगे, माँ भगवान के दर्शन ऑफकोर्स अच्छे लगे होंगे, किसको बुरे लगते हैं। माता जी से प्रार्थना है कि आपकी और मेरी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। वैसे मेरी वीडियो थोड़ी सी डार्क आ रही होगी, बट ठीक है, एडजस्ट कर लेना चलेगा यार। बाकी यार, यहाँ से चारों तरफ का ना इतना मस्त व्यू है ना, बढ़िया लगता है यार, गजब का। हाँ जी, तो भैया फाइनली अपन ने मंदिर में दर्शन कर लिया, दर्शन करके वापस नीचे आ चुके अपन। बड़ी ही प्यारी जगह है यार, कसम से। अगर आप मारवाड़ में आपको कहीं पे भी जाना है ना, सुंदा माता आ रहे हैं, या इस जगह पे अगर आपको जाना है नवरात्रि में दर्शन करने, इस जगह पे आ जाना, बड़ी प्यारी जगह, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, और इतनी पॉजिटिव सी वाइब है ना, क्या कहूँ मैं आपको। बस मेरी शक्ल थोड़ी सी बेकार लग रही है, क्योंकि धूप की वजह से भैया काला हो चुका है, काला नहीं हुई मतलब रिफ्लेक्ट ओवर आ रहा है, समझ जाओ, भावना है पकड़ो मेरी, और मैंने डार्क पहन रखा ऊपर से। बस वही साहब, एक दिक्कत थी ना, जो भीनमाल वाला रास्ता था वो इतना बेकार रास्ता, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ऑफकोर्स खराब ही होगा, उस रास्ते की वजह से वैसा हालत बिगड़ के पूरे कपड़े वपड़े मिट्टी में हो गए, अदरवाइज तो ठीक है। बाकी चलिए यहाँ पे दर्शन कर लिए, अब यहाँ से निकलते अपन सीधा सुंदा माता के लिए। प्लीज़ पूरे 9 दिन तक इस पूरी सीरीज को फॉलो करना, आपको ज़रूर से अच्छी लगेगी। आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवियों के हम दर्शन करवाने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ में अभी यहाँ से निकलते अपन सीधा सुंदा माता के लिए। बट आप देखोगे वो अगली वीडियो में।
तो वह दर्शन तो कर लिए बट अब गन्ने का रस तो पीना बनता है, इसके बिना तो चलेगा नहीं। हाँ जी, तो भैया नया बिजनेस चालू किया, अगर किसी को गन्ने का रस पीना हो तो आ जाओ। भैया वो रहा ऊपर मंदिर, और आपको त्रिशूल दिख रहा होगा कितना प्यारा लगता है ना। हाँ जी, तो भैया फाइनली दर्शन हो चुके हैं, अभी अपन यहाँ से निकलते सीधा सुंदा माता के लिए, जिनको कि आप दर्शन करना अगली वीडियो में। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपको भी घर बैठे नवरात्रि में माता जी के दर्शन करने के लिए मिल रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।